हेलो हाय, वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो 2 दिन से राजस्थान में काफ़ी हलचल मची है स्टूडेंट्स के मध्य में, क्योंकि RAS की जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, वो कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो इसी दिशा में RAS या RPSC ने एक प्रेस विज्ञप्ति आज जारी की थी, जिसमें कहा गया कि RAS की जो मुख्य परीक्षा है उसको रोका जा रहा है और अगली सूचना मिलने तक ये स्थगित रहेगी। आगामी तिथि में यथासमय इससे आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा जो स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आज जो बैठक हुई है इनकी आरपीएससी की जो बैठक हुई है, इसमें इन्होंने बताया है कि 20 और 21 मार्च को परीक्षा होगी। ठीक है, 20-21 मार्च को परीक्षा होने की तिथि इन्होंने बताई है, सूत्रों से पता चला है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट शायद कल तक ये जो है इनके नोटिफिकेशन में आ जाए आरपीएससी की वेबसाइट पर, तो देखते रहिएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो काफ़ी गलत होगा, क्योंकि जो प्रोटेस्ट चल रहा था राजस्थान में इतने दिन से जयपुर में, वो 2 से 3 महीने परीक्षा को आगे खिसकाने की मांग कर रहे थे। दूसरा, जो प्री का जो है सिंगल बेंच ने कैंसिल किया है, रिजल्ट को कैंसिल किया है, इसको भी अभी 5 प्रश्न जो है समीक्षा के लिए भेजे गए हैं। तो इनका जब तक जो है निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक ये कैसे परीक्षा करवा सकते हैं। अगर ये निर्धारण होके आता है, उसके बाद कुछ प्रश्न जो है डिलीट किए गए हैं, उसके बाद जो प्रश्न डिलीट किए गए, तो फिर से तो कट ऑफ निकलनी चाहिए कि नहीं, फिर से जो 5 प्रश्नों का अंकन करके फिर कट ऑफ भी दें, फिर से परीक्षा करवाएं, तो ज़्यादा सही रहेगा। और कम से कम 2 महीने का समय तो देना ही चाहिए। ठीक है, तो देखते रहिए क्या भी होता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है क्या होगा। वैसे जो एकल पीठ थी उसका फैसला था कि उन्होंने जो है प्री के रिजल्ट को रद्द किया था। ठीक है, जो इसकी द्विसदनीय पीठ है राजस्थान हाई कोर्ट का, इसने जो है ये जो 20-21 मार्च वाले फैसले को सुना है कि हरी झंडी दी है कि परीक्षा आप 20-21 मार्च को करवाइए। देखिए, वो कल तक तो आपको पता ही चल जाएगा न्यूज़ में क्या आता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल अच्छा लगा हो, मतलब चैनल क्या, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।